मेरा खेती बाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज गन्ने की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। गन्ने की खेती करने के लिए अच्छे पानी की निकास वाली दोमट मिट्टी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जहाँ पर दोमट मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ गन्ना बहुत ही अच्छा होता है। और गर्मी के मौसम में अगर आपने गन्ना लगाना है तो गर्मी के मौसम में पहले हल चलाकर आड़ा और टेढ़ा दोनों तरह से चलाकर ज़मीन को छोड़ दें। ज़मीन को पूरी तरह से तैयार करने के बाद अक्टूबर के महीने में उस पर एक बार जुताई फिर से करें और जुताई करने के बाद उस पर पट्टा चलाकर समतल कर लें। तो दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़मीन पूरी तरह से गन्ना डालने के लिए योग्य हो जाती है। उसके बाद आप रेजर की सहायता से 3 या 2 फुट की दूरी पर नालियाँ बना लें और नालियाँ बनाने के बाद अगर आप बाज़ार से बीज लाते हैं तो उसका बीज डाल दें, नहीं तो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके गन्ने में 2 या 3 आँख होनी चाहिए उसको लाइन से लगा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों उसके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए अक्टूबर के महीने में जो लगाया जाता है वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बोने के लगभग 4-5 महीने बाद उसकी गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई या खरपतवार अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई गई गन्ने की फसल के लिए सबसे पहले मिट्टी 2 या फरवरी या मार्च में चढ़ा देनी चाहिए और लास्ट वाली मिट्टी मई जून में चढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद अगस्त सितंबर में उसके सूखे हुए पत्तों से 6-7 गन्नों को एक साथ बांध सकते हैं ताकि गन्ना गिरे ना, तो आपका गन्ना उसके बाद पूरा पककर तैयार हो जाता है तो आप उसको बाज़ार में बेच सकते हैं। धन्यवाद। हमारी वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ओके करें ताकि हमारी दूसरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।